आज का हमारा विषय है हिंदुस्तानी संगीत में स्वरोच्चार और राग स्वरूप। जिस प्रकार हम भाषा द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार स्वरों के माध्यम से हम रागों की कल्पना नादात्मक स्वरूप में व्यक्त करते हैं। संगीत जो आजकल हम गा रहे हैं, जिसे आजकल शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, वास्तविक उसे हम रागदारी संगीत कहेंगे या राग संगीत कहेंगे, क्योंकि भारतीय संगीत की बुनियाद राग है। जो भी कुछ हम गाते हैं वो राग गाते हैं, राग उसकी मूल कल्पना है। चाहे वो कर्नाटक संगीत हो, चाहे हिंदुस्तानी संगीत हो, हम राग गाते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि राग यानी क्या? हमारे प्राचीन ग्रंथकारों ने राग की व्याख्या इस प्रकार की है, रंजयति इति रागः, यानी जो भी कुछ रंजक है वो राग है। ये सबसे पहली परिभाषा राग की मिलती है हमें, रंजयति इति रागः। लेकिन वास्तविक जो भी कुछ रंजक हो वो राग नहीं हो सकता है। राग में कुछ अनुशासन अवश्य होता है, और वो अनुशासन क्या है इसको व्यापक रूप से बाद के ग्रंथकारों ने एक विस्तृत व्याख्या की, और वो ये है, यो अयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां स रागः कथ्यते बुधैः। अब इस व्याख्या में दो बातें बहुत आवश्यक हैं। स्वर वर्ण विभूषितः, ऐसी स्वर रचना जो वर्ण युक्त हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो जो वर्णयुक्त स्वर पंक्ति हो वो रंजक हो। दो बातें आवश्यक हैं। अब वर्ण यानी क्या? तो गान क्रिया को हम वर्ण कहते हैं, मूवमेंट ऑफ नोट्स। स्वर हम गाते हैं, लेकिन उसकी चालना, जब हम स्वर को चालना देते हैं, उसको मूवमेंट देते हैं, तभी हम उसको, उस नाद को गतिमान बनाते हैं, और उस गतिमान बनाने की क्रिया को शास्त्रों में वर्ण कहा गया है। ये चार प्रकार के वर्ण हैं। जिस प्रकार हमारे समाज व्यवस्था में भी चार वर्ण कहे गए थे, वैसे संगीत में भी चार वर्ण मिलते हैं, और वैसे देखा जाए तो इन चार वर्णों के अलावा पांचवा वर्ण कोई उसकी शक्यता भी नहीं है। ये चार वर्ण इस प्रकार हैं, स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, और चौथा है संचारी वर्ण। ये चार प्रकार के वर्ण हमारे शास्त्रकारों ने कहे हैं, जिसको हम गान क्रियोच्चते वर्ण, गान क्रिया को ही वर्ण कहते हैं। स्वरों पर क्रिया करना यानी उसको हमको मूवमेंट देना है, उसको चालना देनी है। ये सबसे पहली जो चालना होती है, एक ही स्वर को हम बार बार उच्चार करते हैं, उसको स्थाई वर्ण कहते हैं। स्थाई यानी ठहरा हुआ।
अब लेकिन एक ही स्वर का उच्चार होते हुए भी एक बात आवश्यक है कि उसमें जो गुंजन या कंटिन्यूटी जो होती है वो कायम होनी चाहिए, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए उदाहरणार्थ, मैंने एक ही स्वर का उच्चार किया लेकिन इसमें एक उच्चारण के साथ दूसरे उच्चारण में हमने बीच में खंड दिया। लेकिन स्थायी वर्ण किसे कहेंगे, जैसे उच्चारण करें तो उस क्रिया को हम स्थाई वर्ण कहते हैं। दूसरा वर्ण है आरोही वर्ण, यानी ऊर्ध्वगति वो स्वरों को ले जाना, नाद को ले जाना नीचे से ऊपर की ओर। जैसे सीढ़ी चढ़ने, तो उस गति को हम आरोही वर्ण कहते हैं। उसके उल्टा अवरोही वर्ण, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी स्वर क्रमानुसार आने चाहिए, लेकिन गति उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे एक ही गति में उसके क्रम शुरू हुए तो इसको हम अवरोही वर्ण कहेंगे। तो स्थाई आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण। अब संचारी वर्ण यानी इन तीनों वर्णों का मिश्रण जिसमें हो वो संचारी वर्ण, यानी जिगजैग मूवमेंट, जहां उतार भी है, चढ़ाव भी है, स्थिरता भी है। जैसे इंग्लिश में कहेंगे एक्सप्रेशंस या स्वर संगतियां, इतना तो आप बोध हो जाता है इन चार वर्णों से कि उनको कहने का तात्पर्य क्या है, कि रागों में स्वरों का महत्व नहीं है बल्कि स्वर संगतियों का महत्व है।
और वो स्वर संगतियां अगर हम एक नियमबद्ध रूप में अगर हम उसको एक आकृति देते हैं तो जो एक नाद का स्वरूप होता है वो राग है। तो यो अयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः, यानी वर्ण युक्त स्वरों से जो सजाया गया है, यानी कॉम्बिनेशंस द्वारा जो एक नाद सजाया गया है और जो जनचित्त का रंजन करता है वही राग। तो ये तो एक सामान्य परिभाषा हुई। इसमें आपको ये भी याद रहे आएगा कि जब हमने कॉम्बिनेशंस या स्वर संगतियों का उल्लेख किया तो एक विशिष्ट उच्चार द्वारा वह स्वर संगतियां आती हैं, एक स्वरों का लगाव। नीरे स्वर कोई अर्थ नहीं रखते, जैसे कि भाषा में अक्षरों का कोई महत्व नहीं है। अक्षरों से शब्द अवश्य बनते हैं और शब्दों की सुव्यवस्थित रचना में हम वाक्यों की रचना करते हैं, वाक्यों द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। फिर भी एक पढ़ने की भाषा होती है, एक बोलने की भाषा होती है, उसमें जो एक फर्क है। भाषा एक उसपूर्त आती है, उसमें जो फोनेटिक्स है, उसमें जो जहां पर हमको एक जोर देना है किसी वाक्य पर, किसी शब्द पर जोर देकर हम किसी अर्थ को व्यक्त करते हैं, वही स्वर संगतियों में है। एक स्वर संगति तो वही होगी, लेकिन एक खास स्वर पर उस स्वर संगति में हम उच्चार करेंगे तो उसका भाव बदल जाता है। तो स्वर का लगाव, जो हमारे संगीतकार जो कहते हैं, इस राग में स्वर का लगाव देखो, स्वर संगति मत देखो सिर्फ। तो स्वर संगति से परे और भी कुछ बातें होती हैं जिससे कि हमको राग की और अधिक निकट हम आते हैं। अब इसको हम जरा विस्तृत रूप से कहेंगे। जैसे अगर हम साहित्य में कहें, मैं आपके सामने आज यहां बैठा हूं, एक वाक्य हुआ, मैं आज आपके सामने बैठा हूं। इसी वाक्य को मैं तीन चार तरह से मैं बोलता हूं तो देखिए उसका अर्थ अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। मैं आज आपके सामने बैठा हूं, यानी मैं बैठा हूं और कोई नहीं, मैं आज आपके सामने बैठा हूं। तो मैंने आज पर जोर दिया तो आज ही बैठा हूं, कल शायद बैठा ना ही होऊंगा या कल भी नहीं बैठा होऊंगा, लेकिन आज तो निश्चित रूप से बैठा हूं। मैं आज आपके सामने बैठा हूं, वाक्य वही है लेकिन अलग अलग स्ट्रेस देने से उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार संगीत में स्वर तो वही लगते हैं, 12 स्वरों की तो दुनिया है, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकल स्वर, फिर भी उनमें जो स्वरों के लगाव है और उसके शेष जो आते हैं उसी में उस राग की छटा दिखने लगती है। और उन शेड को हमको इन 12 स्वरों के परे जाना पड़ेगा, उसके आगे जाना पड़ेगा, उसकी भाषा बोलनी पड़ेगी। उन स्वरों की जब भाषा बोलेंगे हम और अलग अलग उसको हम जोर देंगे, एक्सेंस देंगे, तभी जाकर वो एक जीवित भाषा हो जाती है और हम संवाद प्राप्त कर सकते हैं उन नादात्मक स्वरूपों से, और वही राग है। तो इसलिए मैंने कहा स्वरोच्चार और राग स्वरूप इन दोनों का बहुत निकट संबंध है। जब तक सही स्वरोच्चार नहीं होंगे तब तक सही राग का स्वरूप सामने नहीं आता है। नीरे स्वर गाने से राग नहीं होता। आजकल हम लोग विद्यालयों में कहिए या संगीत के आम प्रसार के माध्यम से कहिए या स्वरलिपि द्वारा कहिए, सिर्फ हम शाब्दिक वर्णनों से राग समझ लेते हैं। इसमें आरोह इस प्रकार है, अवरोह इस प्रकार है, इसका वादी यह है, उसका संवादी वो है, इसमें ये संगतियां प्रबल, लेकिन उसका लगाव किस प्रकार है वो अगर हम ध्यान देखें। जैसे हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो ये सब व्याकरण आपके सामने नहीं रखा जाता है, आप उसको डायरेक्टली सुनते हैं और अनुकरण करते हैं, इसलिए उसको हम आसानी से बोलते हैं और अपने विचार को अधिक व्यक्त कर सकते हैं।
उसी प्रकार राग में लगाव के साथ अगर हम उन स्वरों को गाएं तो हम राग के वातावरण के अधिक निकट आ सकते हैं। अब एक साधा उदाहरण मैं आपको देता हूं, यानी आपको इस बात पर एकदम आपको फर्क लगने लगा। अब देखिए, एक आरोह मैं गाता जाता है कि काफी ठाट से काफी राग उत्पन्न होता है। यह तो आपने शास्त्र में पढ़ा और सरगम भी गाते हैं, जैसे सा, अभी हमने तोड़-तोड़ कर स्वर गाए, अब उसको जोड़कर भी गाएंगे सारे है। लेकिन इन्हीं स्वरों को मैं एक तरकीब से गाता हूं तो देखिए उसमें फर्क क्या लगेगा। अब देखिए सा को उच्चारण मैं कैसे कर रहा हूं, निशा से शुरुआत हो रही है। अब मैं पीछे हट गया और फिर बाद में सा जाता हूं, फर्क लगेगा कि एक विशिष्ट उच्चारों के साथ अगर वही स्वर हम गाएंगे तो बहुत कुछ हम राग के निकट आते हैं। अब इसमें देखिए दो तरह से मैं यही इसी राग में एक सरगम गाता हूं, सारे गरे Thank you.
तो सिर्फ स्वर गाने से भी राग होता है, लेकिन उसके सही उच्चारों के साथ वही स्वर अगर हम गाएंगे तो एक परिणाम अलग होता है, जो कि हम उस राग की भाषा बोलते हैं। जैसे भाषा स्वरों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से भाषा बनती है, स्वरों के माध्यम से राग बनता है। वैसे देखा जाए तो 12 स्वर, 7 शुद्ध और 5 विकृत। शुद्ध स्वर अपने ही जगह पे होते हैं, विकृत स्वर जो 5 है, री ग म ध नि, ये अपने जगह से हटते हैं, या तो ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। मध्यम एक स्वर ऐसा है जो ऊपर चढ़ता है और री ग ध नि नीचे उतरते हैं। तो जिस प्रकार 12 स्वर हमारे शास्त्र में कहे गए हैं, संगीत में जो चमक कृति होती रहती है, रागों में जो स्वरों का खेल होता है, ये 5 विकृत स्वर ही सब खेल रचाते हैं और उसकी स्वरों की अलग अलग स्वरूप आपके सामने आती है। एक उदाहरण देंगे, एक स्वर संगति है, चार ही स्वर हैं, लेकिन देखिए उनको एक विशिष्ट तरह से हम गाएंगे तो अलग अलग रागों की छटा मिलती है। इतना ही कहेंगे तो एक एक राग का सूचक है ये। मैंने पहले क्या गाया, समान अंतर गाए। अब इसको आगे पीछे स्वरों को जोड़िए तो देखिए अब आकृति बनने लगी। मने दने दा, मने दने दा, साने पम्मा पगामा, ने दने दा, दने साने पम्मा पगामा, ने दने दा। तो नी देने से कहा इस बाहर राग में किस प्रकार उच्चार होता है। पहले तो मैंने सिर्फ निधन हिस्सा गाया तो आपको स्पष्ट नहीं मालूम हुआ कि कौन सा राग हो रहा है, लेकिन उसके बाजू के जो स्वर हैं उनके साथ वही अगर स्वर संगति मैंने बढ़ाई तो आपको एक आकार मिलने लगा नाद का। स्वर संगति ये उच्चार बाहर के लिए ही योग्य है। एक मैं स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, आप वही निधन निशा देखिए, निषाद के साथ भैवत लिपटा हुआ है, मां बने
जाएगा। अब आप यहां लिखेंगे कैसे इसको? लिखेंगे तो आप निधा निशाई, बाहर में भी आप निधा निशाई लिखेंगे, नियामला में भी निधा निशाई लिखेंगे। अब तीसरा प्रयोग देखिए, स्वरोच्चारों का कितना महत्व है ये लिखने से नहीं होगा, उसका लगाव किस प्रकार है ये अधिक ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं एक स्वर को अप्रोच हम करते हैं तो किस स्वर से उस तरफ जा रहे हैं। कर्ण भी आप लिखेंगे लेकिन उसका एक विशिष्ट एंगल होता है जहां से उसको अप्रोच करना पड़ता है, तभी जाके उसका सही उच्चार। दूसरा आप एक उदाहरण देखिए, कई रागों में हम ये भी देखते आए हैं कि रेपा संगति लगती है, कल्याण के प्रकारों में भी रेपा संगति लगती है, कामोद में भी रेपा संगति लगती है, सारंग में भी रेपा संगति लगती है, मल्हारों में भी रेपा संगति लगती है। लेकिन सिर्फ रेपा कहने से मालूम हो जाने से कि ये सारंग गा रहे हैं या कामोद गा रहे हैं तो उसके लगाव से ही फर्क हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कोई राग नहीं हो सकता, बाकी तो स्वर जान ही दीजिए इस राग में कौन से स्वर संगतियां महत्व की है। लेकिन हमने शुरू कर दिया, अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, मैंने गाने की सोची है, तो आप जो संगीतकार होंगे समझेंगे कामों की खुशबू फैलने लगी। जिसको हम कहते हैं एक फूल रखा हुआ है उसका सुवास फैलने लगा, वैसे इन स्वरों का सुवास फैलने लगता है और उनका मंडन जब होता है वही राग जिससे कि हमारा चित्त रंजन होता है, हम आत्मविभोर हो बैठते हैं और वही राग का अंतिम ध्येय होता है। राग हमारे बिल्कुल मन में धस जाना चाहिए, दिमाग को चमत्कृति नहीं दिखानी चाहिए। हमको राग सुनकर अचंभा नहीं लगना चाहिए लेकिन हमारे मन को कुछ शांतता मिलनी चाहिए, वही राग का ध्येय है। इसलिए रंजको जनचित्ता नाम सराग कथ्यते हुए, उन्होंने बुद्धि को रंजन नहीं कहा, एक एस्थेटिकल अप्रोच और दूसरा इंटेलेक्चुअल अप्रोच जिसमें कि बुद्धि आपको चमत्कृति दिखाती है और दूसरा नाद के आनंद से हम आत्मविभोर हो बैठते हैं, आत्मा से उसको संबंधित है, आत्मा को हिलाना और एक दिमाग को तकलीफ देना, ये दो अलग अलग बातें। तो जैसे Yeah.
है तो तुम्हें उतना प्रगाढ़ नहीं होगा, क्योंकि उसके सही लगाव नहीं है वहां। आप दूसरा देखिए, उसको वातावरण में हम ले जाते हैं एक विशिष्ट प्रकार के उच्चारों द्वारा। रे पा रे सा रे पा, ये अलग है। रे 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 बा मा रे रे पा, तब लिखे में कैसे लिखेंगे? मल्लार में भी रेपा संगति आती है, कामोद में भी रेपा संगति है, सारंग में भी रेपा संगति आती है, लेकिन आप पहले इन उच्चारों के साथ उन स्वर संगतियों को घोटेंगे और बाद में लिखेंगे तो आपको याद रहेगा ये कामोद की रेपा है, ये मल्लार का रेपा है। इसलिए पहले भाषा बोली जाती है, बाद में लिखी जाती है। जैसे मैंने आपको एक वाक्य का उदाहरण दिया, जहां स्ट्रेस देने से कौन सा राग, कौन सा आशय पैदा होता है। मैं आज यहां बैठा हूं, जो मैंने उदाहरण दिया, तो वही उसी स्वर संगति में एक विशिष्ट स्वर को हम जोर देंगे तो भाव अर्थ भाव अलग हो जाता है। अब ये तो स्वर संगतियों की बात हुई और उच्चारों की बात, अब मैं अलग तरह से समझाता हूं। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, इन पांच स्वरों में एक चमत्कृति होती रहती है और विशिष्ट लगाव से उन स्वरों का परिणाम अलग होता है। उसमें है कोमल रे, कोमल गंधार, तीव्र मध्यम, कोमल धैवत और कोमल निखार। ये पांच स्वर जो विकृत स्वर है, अलग अलग रागों में अलग अलग अंदाज से लगते हैं। अब हम शुरू करेंगे कोमल ऋषभ से। अब देखिए, सिर्फ कोमल रे गा रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं गा रहा हूं, लेकिन आपको एक भास कराऊंगा, जैसे कि मैंने रेपक के द्वारा आपको एक स्वर संगति द्वारा आपको एक रागों का भास करवाया, उसे सिर्फ एक ही स्वर से आपको भास करवाऊंगा। ऋषभ लगाया, इतना ही गा रहा हूं मैं, शुरू कर रहा हूं गाना अपना। आजकल इन बातों पर हमारे संगीतकारों का और संगीत विद्यार्थियों का लक्ष्य कम होते जा रहा है।
इस पर अधिक विचार हो तो राग अधिक प्रभावकारी हो सकते हैं। आजकल हम गलेबाजी पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, खूब तैयार गाएंगे, इस पर हमारी लक्ष्य ज्यादा है, लेकिन आत्मानंद कहाँ मिलता है? इन स्वरों के उच्चारों द्वारा। देखिए, से क्या है एकदम मैंने लगाया तो जब तक समूचा स्वरूप मेरे दिमाग में नहीं होगा तब तक उस ऋषभ को मैं नहीं गा सकता हूं। मैं इस स्वर को सिर्फ कोमल रे गाना है इस उद्देश्य से नहीं गा रहा हूं, लेकिन मैं मारवा गा रहा हूं, ये मेरे दिल में है, और मारवे को मैं एक अलग अप्रोच से शुरू कर रहा हूं। समूचा मारवा मेरे में है, लेकिन वहीं से उसकी चुटिया पकड़ के मैं उस राग को प्रस्थापित कर रहा हूं। तो उस ऋषभ को कैसे लगाव लगने से वो राग सामने खड़ा होगा? अब देखिए, ये तो एक रे हो गया है, कोमल रे। इस बात में ये चीजें नहीं निकल सकती, इसलिए ये अपूर्ण वाद्य कहलाता है। इसका सिर्फ उपयोग सुर का भराव के लिए होता है। इसमें से आपको एक और बात ध्यान में आएगी, सुर के लगाव से उसकी प्रकृति में बदल हो जाता है, उस राग के वातावरण में फर्क हो जाता है। श्री अपने एक अलग मस्ती में है, मारवा अपने अलग मस्ती में है। दोनों ऋषभ दोनों में प्रबल स्वर कहे जाते हैं, दोनों रागों में ऋषभ का प्रबलत्व है। ऋषभ को शास्त्रों में वादी स्वर कहा गया है श्री का, और मारवा में भी ऋषभ को वादी स्वर कहा गया है, लेकिन दोनों के लगाव में फर्क है। दो जुड़वे भाई होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क होता है दोनों में। उसी प्रकार ये है। अब देखिए, ये भी कोमल ऋषभ भी है। अब और भी
भी एक प्रकार देखिए कितनी पॉसिबिलिटी होती है कोमल ऋषभ में। स्वरूप तो ध्यान में नहीं आ सकता। तो ये इतनी दर्जे आपको ऋषभ के मैं आमतौर पे बोल रहा हूं तो हरे के राग के साथ वही ऋषभ देखिए ऋषभ का प्रयोग है कोमल ऋषभ लेकिन उसका अंश कितना है। मुकाम आप कायम नहीं कर सकते। तो ऋषभ के तो इतने आपको प्रकार मालूम हो गए को सिर्फ कोमल ऋषभ के। आप गंधार पर चलिए कोमल गंधार ये सीधा गंधार है जोड़ दे रहे हैं
इसलिए अपनी जगह से थोड़ा नीचे आएगा, वो नीचे से खींच रहे ना उसको, तो सुर नीचे आ जाएगा। चढ़े लगेगा में आपको इतने प्रकार मिल गए। तो मैं खास खास उपचार आपको बताता हूं। अब तीव्र मध्यम देखिए, तीव्र मध्यम में एक सिर्फ ललित में तीन प्रकार के तीव्र मध्यम लगते हैं। एक ही राग में तीन अलग अलग दर्जे आपको मिलेंगे अलग अलग सर संगतियों में। ललित में एक
उसके लिए खास प्रयास में वो उच्चारों के द्वारा वो अपनी अपनी जगह लेते रहती है। लगाओ रे रे स्वरों से नहीं। अब गाओ मा मा, जब उसको कंटिन्यू रखेंगे ना तो गा मा मा मा, अब तोड़ के गाएंगे तो वहां वही मध्यम पे जाएंगे मेरे गा मा मा मा, लेकिन मेरे गा मा मा गा रे गा मा मा गा मा मध्यम लग जाएगी। आप कोमल देह में बड़ी है, जैसे आपको इधर कोमल ऋषभ के बारे में आपको अलग अलग शेड्स मिली थी, वैसे ही आपको कोमल धैवत की शेड्स मिलेंगी वहां। अब पूर्वी में कोमल धैवत लगता है, देखिए अब यहां भी ऋषभ देखिए उसका, मुल्तानी में भी अल्प है और पूर्वी में भी ऋषभ का उच्चार। जब हम गा उच्चार शुरू होता है गा। आप देखिए गा
से खींचेंगे तो और भी अल उसका दर्जा बदल जाएगा। सुनाऊंगा तब आपको आपको उसकी खातरी होगी यही उच्चार वहां आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको एक रागोच्चारों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। जब हम इन्हीं रागों जिसकी चर्चा हमने अभी की है उनकी बंदिशें जब गाएंगे तो वही राग हम आप उन उच्चारों को देख सकते हैं। कहिए कुछ भी कहिए लेकिन हर एक का एक भाव होता है।
विचार। देखिए तो कैसे लगेगा, रे 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 ने उपनिषद ही है लेकिन वो चढ़ी हुई उपनिषद सोचता हूं कि एक दो मिनट की विश्रांति लेकर इनकी बंदिश आपको सुनाता हूं। सबसे पहले बंदिशों में मैं भीमपला सिंह से शुरू करता हूं, ये क्रम से चलेंगे। Thank you.
Thank you.
रागों का परिणाम अलग है, उसके उच्चार सही हो। देखे तेरी माई का जाने ने तो
आपको बताए। अब वैसे देसी में देखिए, देसी में एक धैवत का विशिष्ट प्रयोग है। कुछ लोग कहते हैं हम कोमल धैवत की देसी गाते हैं, कुछ लोग शुद्ध धैवत की देसी गाते हैं। ना वो कोमल है न शुद्ध, उसका एक अलग दर्जा है। हटो हटो जाओ छाड़ो अब मोरे गले जाओ छाड़ो अब मोरे हटो हटो जाओ छाड़ो अब मोरे गले लगर छाड़ो नहीं मैं तो धोगे गारी दो को न मानोगे चारों के लड़ाई में हटो हटो जाओ में इतना ही कहूंगा। जो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कही बात, स्वरोच्चारों का योग्य उपयोग करने पर ही राग, कोई चाहे कोई भी राग हो, उसकी अपनी प्रतिभा उभरती है और उसकी एक शक्ल हमारे सामने आती है। और ये जब हम अवगत कर लेते हैं तब किसी भी राग की कल्पना आपके मन में आते ही वो राग आकर सामने खड़ा हो जाता है। यानी थोड़े में कहना हो तो सगुण उपासना से निर्गुण उपासना में पहुंचना पड़ता है। ये एक आध्यात्मिक अप्रोच। हम पुस्तकों द्वारा या गुरु द्वारा उसका सगुण रूप आत्मसात करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हुए हम उसके निर्गुण रूप में चले जाते हैं। और वो जब निर्गुण रूप हमारे सामने आता है तो राग अलग अलग व्यापक लगने लगता है, वही राग। इसीलिए हमारे राग आज सैकड़ों सालों से वही बियाग गाया जा रहा है, वही यमन गाया जा रहा है, अलग अलग घरानों में गाया जा रहा है। फिर भी इससे हम क्या कहते हैं, नफरत नहीं करने, उलट अधिक प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि राग का अस्तित्व वही है और राग वैसे ही विकसित होते जाता है। इसका एक ही उदाहरण देकर मैं आज का ये वक्तव्य पूर्ण करता हूं। देखिए, एक रागमाला है, उसमें 12 रागों का संकलन है। कविता में जो राग के नाम आएंगे वो राग आते ही वो राग आपके सामने खड़ा होगा। उसके शब्द हैं, फूली बसंत बिंद्रावन मो, यानी बसंत और बिंद्रावनी सारंग, ये दो राग। फूली बसंत बिंद्रावन मो, पहर प्रभात की, प्रभात भैरव, पहर प्रभात की आई बहार, पंचम कुकत कोयल, पंचम एक राग है, पंचम कुकत कोयल नाचे विहंग गण, विहंग यानी बिहार, धन्यासी धनाश्री, धन्यासी देश देशराज, जामे श्याम सुंदर, श्याम कल्याण, कानर कारो कामला, नंद नंदराज, नंद दुलारो देसी भयो, इस प्रकार 12 रागों का संकलन है।
इसके मैं अवतरणा गा के बताता हूँ। Yeah.